आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल कनेक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अगर चलते हैं वीडियो में, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी बानियों को गद्दार करार दिया। अच्छा जी, तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है इंडिया ट्रीट अफगान रिफ्यूजी विद लव बट पाकिस्तान नॉट कंफर्टेबल। अच्छा जी, चले देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो तारीख भी नज़दीक आ गई है ना भाई। जो डेडलाइन दी गई थी खासकर अफगानियों को जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनको वापस जाने की, तो चले देखते हैं कि इस पर क्या कहना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज का जो शो है वो बड़ा ख़ास है। हम आज बात करेंगे पठानों से कि वो अफगानियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एक ही फैमिली, एक ही कबीले के जो है लोग बताए जाते हैं, अफगान एंड पठान। क्या कहेंगे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती पर? अफगानिस्तान तो पाकिस्तान जो जब भी बना है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस टाइम से ख़राब है, और जब से पाकिस्तान पहले बना तो अफगानिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने तस्लीम नहीं किया था। लेकिन उसके भी बाद भी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया तो उनके हेड तो बनते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो ये डिज़र्व नहीं करता जो पाकिस्तान वो कर रहा है उनके साथ। पड़ोसी मुल्क के अच्छा ताल्लुकात रखना चाहिए उनके साथ। ऐसे कौन से माजी में, देखिए हुकूमतें बदलती रहती हैं, ठीक है, माजी में हमने गलतियां की, मुशर्रफ साहब के भी इंटरव्यू आए, किताबें भी लिखी गई, हमारे नेशनल मीडिया पे भी इसको डिस्कस किया गया कि हमने दूसरे के जंगों में जो है टांगे अपनी फंसा के जो है अपने ताल्लुकात बिगाड़े हैं। इनका ये आदत है कि दूसरे के जंग में डॉलरों के लिए जंग लेना। अब उनका पूरा मुल्क उन्होंने तबाह कर दिया, तो अगर आपसे नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इंडिया ने तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छी रख के उनके मुल्क अमन के लिए उन्होंने कोशिशें की, तो इसलिए इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट PM माने जाते हैं, जिस तरह उन्होंने इंडिया के तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो अपने पड़ोस मुल्क के लिए वो अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, और हम जो हम वो ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। तो यही वजह भी है कि इंडिया जितना ऊपर है और हम नीचे। आपने सही कहा कि जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अफगानियों को बड़े पसंद है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं, जो समझ लें एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ जो है इंडिया है, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा कभी किसी को लेके जो स्टांस है वो क्लियर नहीं होता। हमारा स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम अभी भी गुलाम हैं। हम वो इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक रख रहा है वो अपनी आज़ादी के लिए रख रहा है, लेकिन हम जो रख रहे हैं हम अमेरिका को खुश करने के लिए रख रहे हैं। हालांकि हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए था, जो हमारे मुसलमान भाई है हम ईजिली उनको ब्रदरहुड में ला सकते थे, लेकिन हमने जो उनके साथ किया तो उसके लिए तो वहाँ पर बहुत मुश्किल बात है। आप कह रहे हो कि जो उनकी तरफ से हमें नफरत मिल रही है ये वजह हमारी ही है? हमारी अपनी वजह है, हमारे बड़ों की, जो 40 साल से हमारे जो बड़े कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क के बड़े जो बड़े बड़े उहदों पर पाए जाए, पॉलिसीज का भी फेलियर हो, पॉलिसीज वो पॉलिसी इसलिए बना रहे ताकि हम फिर बाद में पछताते हैं ना लोग। पठान और अफगान के जो आपस की जो दोस्ती है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर अफगानी को पता चले ये पाकिस्तानी पठान है तो वो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ये जो एक ख़ानदानी जो सिलसिला है इस पर क्या कहेंगे? वो हमारा तारीख भी 5000 साल पुराना है, वो भी अफगानिस्तान से आ रहा है। तो मैं भी यूसुफ़ज़ई कौम से हूँ, यूसुफ़ज़ई कौम भी अफगानिस्तान से आ गई है। तो पहले तो हमारा जो पठानों का जो इलाका था ये भी अफगानिस्तान के अंडर था, तो इसलिए जो खून का रिश्ता आप कह सकते हैं ना, तो इस वजह से खून का रिश्ता है जी। क्या कहेंगे कि ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, क्रिकेट मैचेस में भी हमने देखा बड़ी अच्छी दोस्ती है। इसके साथ साथ तालिबान की हुकूमत है फिर भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको जो है जी एड्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इनकी दोनों की दोस्ती स्ट्रॉन्ग होने से पाकिस्तान कितने थ्रेट में जाएगा? इंडिया तो उनके साथ इसलिए दोस्ती कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो। पाकिस्तान वो पाकिस्तान का नाइबर कंट्री है और एक मुसलमान कंट्री भी है, तो वो भी इंडिया नहीं चाहता कि इनके साथ अच्छा ताल्लुकात बने, इसलिए वो अपना ताल्लुकात बना रहे हैं। ज़ाहिर है इंडिया तो अपनी पॉलिसीज़ के लिए हमेशा फेयर रहता है। हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता, ये इंडिया में हिंदू लोग हैं मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अगर ये सच बात होती तो फिर इंडिया अफगानिस्तान को इतना क्यों पसंद करता है जहाँ पर शरिया है, जहाँ पर इस्लामी लॉज हैं और सारे के सारे मुसलमान हैं? हम जो कह रहे हैं तो हमें मीडिया से पढ़ाया गया है ना, असल में इंडिया जो है वो
जमहूरी कंट्री है और उनकी डेमोक्रेसी वर्ल्ड टॉप डेमोक्रेसी है, तो वो कभी इस तरह नहीं कर सकती कि वो मुसलमान के खिलाफ जाएंगे या सिखों के खिलाफ जाएंगे। डेमोक्रेसी जहाँ वो वहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि वो सेकुलर है और रिलीजन वहाँ पर जो है मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता, रिलीजन भी मैटर नहीं करता, कास्ट भी मैटर नहीं करता, वहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी है। क्या बात है। और ये इसका जो है, जो मोदी जो है, हम कहते हैं कि चाय वाला वज़ीर आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वो वज़ीर आज़म बन गए, तो ये डेमोक्रेसी से हो सकता है अपने में। हाँ और अपनी मेहनत से बने। और जो मेरिट इस वक्त हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया में देख रहे हैं, अभी देखिए इलेक्शन अभी आए नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपनली कहा है कि अगले 5 साल भी मेरे और मैं इंडिया को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से कोई एक बना दूंगा। अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इस तो हाँ तो नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि अगले 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, मैं तो उन्हें खुद रिटायरमेंट अभी खुद रिटायरमेंट अभी जितने भी लाहौर में आप देखो जा भी जाओ, सब ये कहेंगे कि जो इंडिया से आई है जो हमारे बड़े, उन्होंने गलती की है कि इधर आइए, हमें उधर रहना चाहिए था, तो ये भी पछता होते हैं कि क्यों आए, क्यों आए। हाँ। वो बड़ों को वो दे रहे, ज्यादा तरक्की कर ली है, ज्यादा तरक्की, मुल्क तो इंडिया है ना, हमारा क्या मुल्क है, वो छोटा सा मुल्क है ना, कोई तरक्की कर रहा है, मुल्क तो इंडिया है, उस मुल्क में रहना ही बंदे को अच्छा लगता है, एक प्राउड फील होता है ना, हर फील्ड में वो आगे है। पासपोर्ट की बात कर लें, ब्लू पासपोर्ट इंडिया, ब्लू पासपोर्ट वो सबसे आगे है, जिधर भी मिडल ईस्ट में चले जाए मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उधर उनकी इज्जत होगी, पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं होगी। तो यही बात है, उनके वो तरक्की कर रहे, ताल्लुकात अच्छे बना रहे, हम सिर्फ अमेरिका के जंग के लिए डॉलर के लिए कर रहे सब कुछ। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मैं सारी इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ कि भाई पाकिस्तान के लिए थ्रेट है तो अफगानिस्तान, लेकिन फिर भी हमने, मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को अपनी ये थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। हमने आज तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, आज तक नहीं किया, चारों बार हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए, उसके बाद चारों लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो लड़ाइयाँ पाकिस्तान ने शुरू की, ख़त्म हमने की, ख़त्म भारत ने की, और आगे भी ऐसा ही होगा कि अगर आप लड़ाइयाँ शुरू करोगे तो इस बार पूरी तरह से ख़त्म, हम लड़ाई को हम ढंग से करेंगे। दूसरी बात कि अफगानिस्तान के लोग भी पागल नहीं हैं, वो चाहे तालिबानी हों, चाहे अफगानिस्तान के आम नागरिक हों, और चाहे इससे पहले वाली चुनी हुई सरकार हो। देखिए हम अभी भी तालिबान को नहीं मानते, हम अभी भी डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम जो भी काम करते हैं या हम जो भी चीज़ें वहाँ पर पहुँचाते हैं, जो मदद देते हैं, वो तालिबान को नहीं देते, हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन अफगानिस्तान के लोगों से है और तालिबान के आने से पहले से है, सैकड़ों हजारों सालों से है। तो इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो पीपल ऑफ द अफगानिस्तान की तरफ बनती है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, तो इसलिए हम उनकी मदद करते हैं। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो काबिज की हो, तालिबान की हो, या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई अफगानिस्तान की सरकार, हमारा काम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना है। और अफगानिस्तान के लोग ये बात जानते हैं, अगर वहां से पाकिस्तान के खिलाफ काम होता तो कोई ना कोई ये उठ के खड़ा होता ना अफगानिस्तान में, कहता कि नहीं हम अपने बिरादर मुल्क के खिलाफ, या कोई भी हो, हमारे लफड़े हों, अलग कुछ भी हो, हम उसके खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन लड़ाई यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है, खुद की है, और ये लड़ाई वाजिब भी है। भाई अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग के लिए आप अपने एयर स्पेस दो, अपने मिलिट्री बेस दो, अपनी जमीन दो, अपना आसमान दो, और उसके बाद कहो कि जी भारत हमारे खिलाफ काम करता है। आपने विजिबल है अफगानिस्तान के खिलाफ काम किया डॉलर्स के लिए, तो अफगानी और तालिबानी जो भी हैं वो जानते हैं ना ये बात। उन लोगों का भी हमारे साथ मोहब्बत है, उन हमारे मुल्क में उन्होंने खिदमत किया, हमारे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा भी उनके साथ मतलब दोस्ती है और मोहब्बत है, क्योंकि मतलब सेम टू सेम है, तो वो भी हमारा लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं, हमारे मुल्क में बहुत डेवलपमेंट का काम वगैरह किया, तो इसलिए हमारा बहुत मोहब्बत है उन लोगों के साथ। क्या बात है। और डेवलपमेंट के बारे से बताएं कि जब से तालिबान गए हैं इंडिया ने, उसके बाद कितना तरक्की की, उसमें कितनी डेवलपमेंट करवाई अफगानिस्तान? असी फिलहाल तो तालिबान का जो गवर्नमेंट है वो तो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इसलिए वो कोई मुल्क उधर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया। हाँ। उसके बाद इवन जब से तालिबान आया वो है, इन लोग इधर अफगानी को निकाल रहे पाकिस्तान से। हाँ। इतना ही मतलब पाकिस्तान ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि फिलहाल तालिबान का जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इसलिए फिलहाल इंडिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन पहले ये 20 साल से जो हम सुन रहे और हम देख रहे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया।
जो अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? उधर बहुत खुश है वो लोग, कोई मतलब पुलिस तंग नहीं कर रहे उन लोगों को, काम वगैरह सब का फैसिलिटी मिल रहे, ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे इंडियन सिटीजन को ट्रीटमेंट मिल रहे। रियली? यस, अभी मैं अफगानी हूँ, इधर पाकिस्तान में हूँ, लेकिन इधर कोई अहमियत नहीं है अफगानियों का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक यूज़ नहीं कर सकते हम, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए इधर, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स। इवन हमारा नाम बेक्सीम हमारा नहीं है, तो इंडिया में पर्याप्त प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, पासपोर्ट है, ग्लोबली इंटरनेशनल पासपोर्ट है, सब कुछ हो सकता है। तो उधर बहुत ट्रीट कर रहे हैं बहुत, इधर पाकिस्तान भी मतलब आवाम बहुत अच्छा है, हम मतलब बहुत इज्जत कर रहे हैं। ऑफिशियली मसाइल बहुत ज्यादा है इंडिया, जैसे कुछ अफगानी यहाँ पे जैसे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको निकाला जा रहा है इलीगल, जो लीगल है वो तो रह ही रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर क्या इंडिया के अंदर नेशनैलिटी मिल जाती है और क्या उन्हें भी किसी ना किसी टाइम इंडिया छोड़ना पड़ेगा? असल बात तो यही है ना कि फिलहाल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना है वो मुश्किल है। अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे आपको, अभी ये इलीगल निकाल रहे इधर से, यानी ये इलीगल आया कहाँ से, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना। इन्होंने खुद जगह दिया कि आ जाओ, जब इन लोग आ गए इधर कारोबार स्टार्ट किया, टैक्स दे रहे सब कुछ दे रहे, आप कह रहे कि आप लोग निकलो, तो फिर इन लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये नहीं देता है। जब यह नहीं देता है तो इनको फिर अफगानियों का क्या गुनाह है? आपको क्या लगता है कि ये जो अफगानी है क्या ये इंडिया की तरफ मार्च करेंगे आप? तो ये तो डेफिनेटली यही बात है, क्योंकि फिर तो हेट ज़्यादा हो जाएगा ना, कि फॉर एग्जांपल इधर मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरा कारोबार है, मैं सबको छोड़कर अपना मुझे निकाल रहे ज़ोर से कि आप निकलो या ताना जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो ये तो जाहिर बात है कि फिर बंदा तो किसी और से प्यार करेगा ना, कोई और मुल्क से। तो इंडिया से दोस्ती की ये वजह जी इन्वेस्टमेंट है, सपोर्ट करते हैं, आप बड़े अच्छे से रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान को एक्सेप्ट कर लेगी? कोई ऐसे कोई वाइब्स आती हैं, क्योंकि वो तो अफगान को बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था जब गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंट अशरफ गनी था उस टाइम, अभी भी है, मतलब जैसे देखो क्रिकेट्स का हमारा कोच वगैरह उधर कैंप लगा हुआ है हमारा, तो मतलब बहुत हेल्प करे, स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट हो गया दोबारा, ईयरली 3000 इंडिया अफगानिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहा है, 3000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर दे रहे हैं अफगानियों को, पर गर्ल्स को के बॉयज़ को दोनों को, इवन अच्छा। अफगान आर्मी को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो हेल्प बहुत किया उन्होंने। और हाँ, जैसे मतलब एक मुल्क दो मुल्क रिकॉग्नाइज करेगा स्लो स्लो, तो सब रिकॉग्नाइज करेगा, फॉर एग्जांपल अभी तुर्की है, रशिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, सबसे पहले यूएन करेगा ना, फिर हाँ, और मतलब जो कोई मुल्क या यूएन रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके बाद ये तो फिर मेरे ख्याल में पहला मुल्क पाकिस्तान या इंडिया होगा जो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा। ये तो हमारी इंडिया पे होगी। आखिरी सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, क्या वजह है? पाकिस्तान के साथ तो बनता है इतना तो नहीं है, लेकिन यही है कि जैसा भी एक इलीगल अफगानियों को निकाल रहे हैं तो इस ये अफसोस हो रहा है, उसके अलावा मतलब सहूलत नहीं है, क्या नहीं है। अगर हम इधर अफगान महाजिर जितना भी है, इधर पाकिस्तान हमें कुछ नहीं देता है, यूएन पैसा देता है पाकिस्तान को, हमारा मतलब हर बंदा का एक रुपया खर्चा जो भी है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो मतलब ये हम फ्री नहीं है। जितने रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए फंडिंग आती है। यस, अगर मैं रिफ्यूजी हूँ, क्या मेरा बिजली फ्री है इधर, मेरा पानी फ्री है, मेरा घर फ्री है, मेरा खाना फ्री है, क्या फ्री है? तो मतलब अगर एक पाकिस्तानी को एक चीज़ 1 रुपये पर रिफ्यूजी से वो 2 रुपया ले रहे और उसके अलावा फंडिंग वगैरह सब कुछ आ रहे, उसके बावजूद तंग कर रहे, तो फिर तो प्यार कहाँ से आ जाएगा? पंजाब में रहते हैं और पंजाबी हैं, चले ये बताएं अफगानियों की इंडिया से इतनी दोस्ती क्यों है? अफगानिस्तान गद्दार है मुल्क, ठीक है, अफगानिस्तान को इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। IPL जो होता है ना इंडिया वालों का, अच्छा। वो अफगानियों को बड़ा पैसा देते हैं, ठीक है। और ये बंदा पहले भी किसी चैनल पर आया है, मुझे याद आ रहा है ये बंदा पहले भी किसी चैनल पर आ चुका है। बड़ी इंडिया वालों से ये मैच भी जानबूझ के हार जाते हैं, अच्छा। ठीक है, अल्लाह मुसलमान है अफगानिस्तान, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुशरिक आपके दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है, और जो काफरों का दोस्त है उसका मैं दोस्त नहीं बन सकता। अफगानियों को शर्म करनी चाहिए काफिरों के साथ उन्होंने दोस्ती की हुई है। पूरे इस्लामिक कंट्रीज हम बस काफिर काफिर का नारा लगा के अपने मुल्क को इतना पीछे ले आए, इस्लामिक कंट्रीज आप देख लिए, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है, तमगे दे रही है, मेडल्स पहना रही है, सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है, सिर्फ हम ही कहते हैं कि भाई हमने दोस्ती नहीं करनी। कौन सा मुल्क उसे तमगे दे रहे हैं? मुस्लिम UAE ने दिया, वो मुस्लिम मुल्क है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कौन है? UAE अपना दुबई सऊदी, दुबई सऊदी, अच्छा, उन्होंने भी दे दिया।
तो बड़े, आपको पता है रेड कारपेट पे बादशाह और बड़े बड़े जो उनके जो है क्राउन प्रिंस आके उनको मिलते हैं जी, ये जो अब जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन को लोग नहीं ला रहे। मोदी इतना कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि कश्मीर के बहन भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। अब वो ये जो अपना इसराइल ने फलस्तीन के साथ जुल्म करना शुरू किया हुआ है, हम मुसलमान मरे हुए हैं, ठीक है, हम सिर्फ KFC मैकडोनल्ड्स उनका उनकी जो प्रोडक्ट है पेप्सी को किटकैट ये जो और भी एवरीवन सब प्रोडक्ट से हमें बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन हमें शर्म नहीं आती, हमें गैरत नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करो ना बाइकआउट। जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, फेंक दो, तोड़ दो वो मोबाइल, अगर हिम्मत है तो तोड़ दो। घर में फ्रिज यूज कर रहे होगे, टीवी यूज कर रहे होगे, सब तोड़ के फेंक दो अगर गैरत बची है तुम्हारे अंदर तो, क्योंकि उन सब में इजरायली टेक्नोलॉजी है, वो सब काफिरों के द्वारा बनाए गए हैं। जिस गाड़ी पर चढ़ रहे हो उस गाड़ी की टेक्नोलॉजी भी काफिरों के द्वारा बनाई गई है, उस पर भी चढ़ना छोड़ दो। जिस ट्रेन के डब्बे में सफर करते हो वो ट्रेन का डब्बा भी काफिर है, चाइना जो है वो काफिर है ना, नॉन मुस्लिम है, उससे मंगाए हुए हैं, छोड़ दो। अबे मर जाओगे बिना काफिरों के, और तुम कह रहे हो अफगानिस्तान को शर्म आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सऊदी अरबिया अपना सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी को देता है, सऊदी अरबिया से बड़े मुसलमान मुल्क हो गए हो तुम, सऊदी अरबिया से ज्यादा बड़े मुल्क हो गए हो तुम। जहां से इस्लाम शुरू हुआ वो तुमसे नीचे, और जहां पर कन्वर्ट होकर बन गए वहां पर वो मुसलमान ऊपर। यूएई ने अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया, यूएई से बड़े मुसलमान हो तुम। इजिप्ट ने भी पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, क्या इजिप्ट से बड़े मुसलमान हो तुम? वो छोड़ो, अभी तुम फिलिस्तीन की बात करो, फिलिस्तीन ने भी अपना सिविलियन अवार्ड दिया पीएम मोदी को, क्या फिलिस्तीनियों से बड़े मुसलमान हो गए हो तुम? पागल है फिलिस्तीनी। 7 से 8 कंट्री मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक देश जो तुमसे ज्यादा प्योर इस्लामिक हैं, उन्होंने अपना सम्मान पीएम मोदी को दिया है, तो तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, समझे? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, सिर्फ आके बकर 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 बोल सकते हो, समझे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जो जहाद है ना वो अपने नफ्स के साथ जहाद है, ठीक है, हम अपने नफ्स के साथ जहाद करें ये चीज़ें छोड़ दें, जिस वो जिस पैसे से गोली बनती है ना, वो इसराइल को हम कोक पीते हैं एक मिसाल, तो वो पैसे उनकी कंपनीज हैं, पूरे ब्रांड्स टिक नहीं देके, मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी, कोक पीते हैं, पैसे देते हैं, हमारे पैसों के वो पहुँचते हैं वहाँ पे, वो जो गोली बजती है मुसलमानों को वो हमारे पैसों की बजती है, उसका हमें भी गुनाह होता है, हमें बाइकॉट करना चाहिए उनके प्रोडक्ट के साथ। और अफगानिस्तान इतना गद्दार मुल्क है कि पाकिस्तान ने उसका इतना साथ दिया, जब अमेरिका पाकिस्तान में आया था, अफगानिस्तान में आया था, ठीक है, तब पाकिस्तान ने अमेरिका की फौज को भगाया था, शायद आपको याद हो। अल्ले ये क्या बात है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये एक चीज़ कही जाती है कि हमने जो है अमेरिका को हवाई अड्डे दिए थे, और ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि भाई हमने अड्डे दे के जो है यहाँ से स्ट्राइकें की अफगानिस्तान में, बच्चों को मारा गया, तो आज वो कैसे हमें दोस्त माने जिनके हाथों पे खून लगा हो। आप ये देखें कि अमेरिका की फौज आ गई थी, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने वो हाल किया था उनका, अल्लाह बख्शे फौत हो गया वो बंदा, ठीक है, उसने उसका अमेरिका का असला भी छीन लिया था और फौजी भी बांध लिए थे। तो एयर स्ट्राइक्स कहाँ से जाती थी अफगानिस्तान, ये बता दिया, अगर हम नहीं थे तो। कैसा पागल इंसान है भाई, पाकिस्तानियों ने अमरीकियों की मदद की थी, ये कौन सा चूरन है, तो नया चूरन आ गया भाई कि अमेरिकन को फौजियों को पकड़ लिया था और उनका असला भी छीन लिया था, ऐसा कब हुआ? मदरसा छाप वाला स्टाम्प लगाओ भाई इन पर। कौन मतलब? यहाँ से जो अड्डे जो जहाज उड़ते थे वहाँ पे स्ट्राइक करने जाते थे वो किसके थे? स्ट्राइक कौन सा करने जाते थे? हवाई हमले नहीं होते थे वहाँ पर जब जंग थी? हवाई हमले होते थे, पाकिस्तान करता था। तो फिर वो कैसे दोस्ती करे ना, वो भी तो बड़े कहते हैं ना, पाकिस्तान अमेरिका पे करता था। ये कब की बात है? ये जब जनरल परवेज मुशर्रफ की बात है, शायद आप उस वक्त छोटी होंगे, मेरी आपसे एज बड़ी है। अच्छा, ठीक है, ये चीज हमारी नजर से कभी नहीं गुजरी। अमेरिका ने आके अफगान तो फंडिंग
देता था, बल्कि मिस अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, भाई का ये कहना है कि हमने जो है अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है अफगानिस्तान को सेव करने के लिए, इनका कहना है। लेकिन दूसरी जानी जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई हमने जो है उनकी जंगों में जो है ना हाथ डाल के अपने 80,000 गद्दार लोग हैं, शर्म करनी चाहिए उन्हें कि मुसलमान और पाकिस्तान के साथ उन्हें दोस्ती रखनी चाहिए और काफिरों से दोस्ती नहीं उन्हें रखनी चाहिए। ये तो उनको पता है ना कि कौन उनका दोस्त है दुश्मन है, लेकिन खैर हमें अपनी कहते ना सलाह करनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा लचक लेके आनी चाहिए ताकि हमारे हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सके। दोस्तों ये थी अवाम की राय, आपकी क्या राय आप भी कमेंट्स में शेयर कर, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखे, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक फर्जी इस्लामिक कंट्री, एक फर्जी डेमोक्रेटिक कंट्री और उसका एक फर्जी सा आदमी अफगानिस्तान वालों को कह रहा है कि गद्दार है, समझ रहे हैं, अफगानिस्तान को कह रहा है कि गद्दार है। ऊपर से ये चूरन ये दे रहा है कि जी अमेरिका पर मुशर्रफ ने अटैक कर दिया। आप समझ रहे हैं इस किस लेवल का नशा करता है ये आदमी। डॉलर्स के लिए बिके आप, डॉलर्स के लिए अपने बेसिस दिया आपने, डॉलर्स के लिए एयर स्पेस दिया आपने, डॉलर्स के लिए आपने अमेरिकी फौजियों से स्ट्राइक करवाई आपने, और आप कहते हैं कि जी एक्सपोज हो चुके हैं आप लोग, जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे। अब देखिए, अब इस पर मैंने रिएक्शन दिया, अब ये अफगानिस्तान के लोग भी देखेंगे, पठान भी देखेंगे मेरा वीडियो, देखते हैं लोग, अफगानिस्तान में भी लोग देखते हैं, मेरे पास अफगानिस्तान से भी मैसेज आते हैं, और उनको सारी सच्चाई पता चलेगी कि देखो पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है, फिर उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए और ज्यादा भड़केगी, समझ रहे हैं ना। तो नायला बड़ा अच्छा किया आपने कि ऐसे लोगों को आप लेकर आइए और ज्यादा चैनल पर, जिससे असलियत पता चले, तब तो आएगा मजा। दूसरी बात कि काफिरों से दोस्ती नहीं, आप कौन होते हैं ये बताने वाले, आप कौन होते हैं दूसरों को डिक्टेट करने वाले। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, अफगानिस्तान जो फैसला करेगा अपने हिसाब से करेगा, अपनी आवाम के मुताबिक करेगा, तालिबान अपने दिमाग के मुताबिक करेंगे, वो आपके दिमाग से नहीं पलेंगे, वो आपके टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तानी टुकड़ों पर नहीं पलते हैं कि मालिक ने जो कहा है उसकी बात मान लेंगे, जैसे आप अमेरिका की बात मानते हो, क्योंकि आप लोग अमेरिकी टुकड़ों पर पलते हो, आपको चाहे मिर्ची लगे चाहे बात बुरी लगे, लेकिन जो बात सच है वो तो सच है, कोई काट के साबित कर दे कि आप अमेरिकी टुकड़ों पर नहीं पलते हो। IMF से लोन मिला है, कहां से मिला है कर्जा, अमेरिका ही है ना वो। खैर, और भारत ने अफगानियों के लिए सैकड़ों सालों से काम किया है और बगैर किसी लालच के किया है, अफगानी ये बात जानते हैं, समझे, इसीलिए करीब करीब 70% अफगानी कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है। तो अफगानी आज की वजह से नहीं कहते हैं, वो सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को देखते हुए, दोस्ती को याद करते हुए, उनके दादा परदादाओं ने जो चीजें अपनी अगली जनरेशन को बताई होंगी भारत के बारे में, उनको याद करते हुए वो कहते हैं, समझे। आप कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म, रहमतुल्लाह फोकस, कैमरा मैन फोकस करो, रहमतुल्लाह पर फोकस कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, बड़ी बातें मजेदारी, बड़ी लोग ने अग्रेशन बड़ा दिखाया है, बड़ी बात है, अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए, जहाँ हम गलत हैं तो गुस्सा आता ही है, मुझे भी कई बात को कई मरतबा गुस्सा आ जाता है, बड़ा हाइपर मैं भी हो जाता हूँ, जब गलत बात बाज को बर्दाश्त नहीं होती, बाज को बर्दाश्त हो भी जाती है। अच्छा, पहली बात यह है कि हम अफगानियों को निकाल रहे हैं, जो हमारी डेड लाइन है वो भी मेरा ख्याल में ये 31 थी लास्ट, आज मतलब कल ये वीडियो अपलोड होगी, कल ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे डेड लाइन जो मैं खत्म हो चुकी है, पहले तो ये बात करें कि हम अफगानियों के साथ ठीक कर रहे हैं, उनको बेघर तो पहले ही थे, तो भाई ठीक कर रहे हैं, ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो अड्डे दिए थे ना अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए इन अफगानियों के खिलाफ, वो गलत किया था, वो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये बेचारे बेकार हुए हैं, इनको धक्के खाने पड़े और उनका गुस्सा पाकिस्तान से और बिल्कुल बजा, भाई वो हक पे हैं, इस बात पे हम एग्री करते हैं उनसे, लेकिन ये जो निकाल रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, निकालने चाहिए,
ये इस पे मैं कहता हूं कि ठीक है हुकूमत, लेकिन जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इनके खिलाफ अड्डे दिए थे अमेरिका को, तो अमेरिका से इनको फैंटी लगवाई थी, तो वो गलत था, मुशर्रफ ने किया, और जैसे जैसे होता गया आगे देते। अच्छा एक और बड़ी बात है, सहूलत कार इसके बनते रहे अमेरिका के। असलम भाई एक और बड़ी बात है, जो अफगानी है पाकिस्तान के अंदर अच्छे भी कोई सेटल भी है, लेकिन मैं एक और बात बताऊं, ये जो मेहनत करना लोगों को सिखाया ना हमारे लोगों को, मतलब मेहनत में शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, ये वाला कंसेप्ट अफगानियों ने आगे सिखाया। मैंने इधर पाकिस्तान के अंदर अफगानियों को वो मतलब काम करते देखा जो कि मतलब मेहनत वाला सारा सारा दिन मतलब मेहनत करते हैं। मैं जर बात आज से कम अज कम 20 साल पीछे चले जाए या 15-20 साल, हमारे गाँव के अंदर ऐसी दीवारें होती थी, आपको भी असलम भाई याद होगा, जो मतलब ना गारे से बनती थी, गारे से मैंने अपनी देखी अपने बेहोश में, तो वो वाली जो दीवार है ना वो इन पठानों ने इन अफगानियों ने मैं बनाना सिखाई थी किस तरह बनाते हैं, उसको बोलते हैं हमारे जबान उसको बोलते हैं फसके की मतलब के ना दीवार, फसके का मतलब ये कि जो फस के जो गाड़ी मिट्टी जिसको कहते हैं ज़्यादा जिसमें कशिश ज़्यादा होती है और वो इतनी मजबूत दीवार ज़्यादा ना हो, बड़ी मज़ेदार हो, मज़ेदार का मतलब ये कि बड़ी मजबूत दीवार बनती थी। मतलब वानी मैं इस उनके करेक्टर की बात करूँ ना, मेहनती वो है ये बात भी। और एक पॉइंट इधर मैं भी पहले इस चीज़ से नाराज होता था और ये चीज़ मुझे भी ये खंकती थी कि यार इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उधर तो तालिबान है, अगर अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उधर तो अब हुकूमत तालिबान की है, तो इसका मतलब तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अल्लाह साहब ने यह कहा कि हम उनकी हुकूमत को पैसे नहीं देते, हम उनके उधर प्रोजेक्ट लगाते हैं, स्कॉलरशिप आपने नहीं सुना 3,000 स्कॉलरशिप, एक भाई बता रहा था 3,000 स्कॉलरशिप इंडिया अफगानिस्तान में देता है, ये तो मैं पहली बार दोबारा सुन रहा हूँ, मैंने ये पहली बार पहले से ये बात नहीं सुनी। यही आपने चचेरों की बात नहीं सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे हजारों सालों से हमारे तलकात हैं अफगानिस्तान अफगानियों से भाई, तो वो फिर करेंगे ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ये भाई जो है ना सार अपनी बात करें, मेरी होगी आप करें, हजारों सालों से वो बात कर रहे थे कि हमारे उनके साथ तलकात हैं, वो वाकई हैं, जब लोधी सादात तुगलक ये जब आते थे ना इंडिया में अपना हिंदुस्तान में, तो यहाँ से हर चीज लूट कर इनको मार मार कर इधर के लोगों को इतना कत्ल करके कत्लो गारत करके जो सामान था मंदिरों से इधर से उठाकर लेकर चले जाते थे अपनी कंट्री में, तो इनके तलकात हैं, ये तलकात को इन्होंने इस तरीके से नहीं बताया कि हमारे दुश्मनी वाले तलकात थे कि दोस्ती वाले तलकात थे, ये चाचू ने नहीं बताया, वो थोड़ा सा ना भूल गए हैं, तो मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह कह रहे हैं कि हमारे नहीं। ये बात तो सच है जो है ना, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी है बड़े हमले की है, बड़ी मरतबा लूटा यार इनका जो मंदिर है, महमूद गजनवी जो ना वो क्या नाम, बड़ा मशहूर मंदिर था हमारा हिंदुस्तान का सोमनाथ, सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा है, ये बात तो सच है, हिस्ट्री में मैंने भी पढ़ा है, भी हो सकता है ये गलत भी हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अफगानिस्तान के लोगों ने और मिडल ईस्ट के लोगों ने और बाकी जो है ईरान के लोगों ने इन उन्होंने लूट मारना चाहिए, वो उसका माजी था, वो इनका माजी था, लेकिन आप जो फ्यूचर या करंट सिचुएशन है ना इसमें भाई वो भाई भाई है, आप देखते रहिए हर जगह ये उनका जो है ना भाई आपस में रवाबत है, बहुत ऐसे तरीके से रह रहे हैं, ये देखे ना चले माजी में जो कुछ भी हुआ लड़ाई हुई वो तो हर मुल्क की या हर तबके की किसी ना किसी वजह से हो जाती है। अच्छा असलम भाई एक और हम पॉइंट बोल रहे हैं, मुझे बड़ा मजेदार पॉइंट लगा था, इंडियन के पी एम नरेंद्र मोदी साहब को 6 बड़े मुस्लिम कंट्री ने अपने मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा, सिविलियन अवार्ड जो दुनिया उनका अपने मुल्क का सिविलियन अवार्ड, जिस तरह सऊदीया है फलस्तीन, मैं तो यह हैरान हूँ फलस्तीन में नवाजा हुआ है पी एम मोदी को, फलस्तीन है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, उन्होंने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पी एम मोदी साहब को दिया, इस पर हम मतलब फिर क्या बोलोगे, हम ठेकेदार वैसे बनते हैं तो काफर हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जो ठेकेसल में गढ़ है हमारे मजहब का गढ़ सऊदी अरब है ना, उन्होंने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड आपके मुताबिक एक नॉन मुस्लिम को दे दिया, अब बताओ। नहीं भाई मुस्लिम या गैर मुस्लिम की बात नहीं होती, सबसे पहले इंसानियत होती है। अच्छा पहले इंसान है उसके बाद भाई उसका दीन है,
वो जिस रिलीजन से मर्जी तल्लक करता वो नहीं, पर इंसान अगर वो अच्छे हैं उनको मिलने चाहिए अवार्ड, मिल भी रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, मैं खुद उनको मानता हूँ, वो लोगों के लिए अच्छे सोचते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए अच्छे सोचते हैं। जब से ये मोदी आया ना, इसने अपने मुल्क की, मैं कहता हूँ कि इमेज इतनी अच्छी कर दी है ना, इतनी कि को मैं एक्सप्लेन। अच्छा हम आपको रहमतुल्लाह सलाम भाई लगता नहीं कि हम ज्यादा काफर काफर करते हैं पाकिस्तानी? पाकिस्तान मुझे नॉन मुस्लिम है, हम हर चीज प्रोडक्ट चाइना के यूज कर रहे हैं, इसराइल कितनी चीजें देखे इधर यूज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। देखे भाई जो हमें वाकई लगता है कि जो ना असल इस्लाम के ठेकेदार जो है ना हम पाकिस्तान वाले, तो जो असल में मेन सेंटर है ना वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया जो इस वक्त है ना वो फॉलो कर रहा है यूएई को। यूएई जो है ना उसने हर जगह पे अपने ताल्लुकात बनाए हुए, चाहे वो कोई कंट्री काफर है, इसराइल है, मुस्लिम है, जो भी है, उसने वो देख रहा भाई माशी मफाद अपना, उसने इसराइल के साथ ताल्लुकात अपने ठीक किए, उसी लाइन पे जाके अब सऊदी अरब जो है ना वो उसको फॉलो कर रहा है, उसने भी इसके साथ अपने रवाबत कायम करने हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्यों ऐसा करता है? पाकिस्तान को क्या तकलीफ होती, क्यों करता है ऐसा? अगर हम वाकई में जिस तरह लोग समझ गया कि हम वाकई में गैरतमंद है ना, तो फिर काफर की बनाई प्रोडक्ट्स भी यूज करना छोड़ दें, गलत तो यही है ना। तो फिर भाई हम रहमतुल्लाह ये जो सेलफोन यूज कर रहे हैं ये भी काफर की बनाई हुई है, ये जो हम मतलब नेट यूज कर रहे हैं, गूगल है अपना, सॉरी ये जो मुझे कंपनी है, सिम कंपनी है, ये भी सारे काफर। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हम जो हमारा पाकिस्तान है, हमारे नेबर्स जितने भी हमारे अराउंड नेबर है ना, कितनों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर है, सिवाय चाइना के अलावा और किसी कंट्री से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, उसके बाद इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक। अच्छा असलम भाई मुझे एक बात याद आ गई, आम एक बंदा किसी समाज में रहता हो, किसी कम्युनिटी में रहता हो, तो उसके अगर जांच पड़ताल करनी हो ना, तो उसके इर्द गिर्द जो उसके हमसाए होते हैं उनसे पूछा जाता है बंदा कि उसके हमसाए के साथ कैसे ताल्लुकात है, तो पता चल जाता है कि यार ये बंदा इस कम्युनिटी में कैसा है। ये सेम कंडीशन है पाकिस्तान की सारे हमसाओं के साथ हालात के साथ बिगाड़ी हुई है, तो ये हमारा इमेज है, इंडिया के साथ बिगाड़ी, ईरान के साथ बिगाड़ी हुई है, किसी के साथ, एक चाइना है, चाइना वो भी अपनी गरज के लिए। इसका मतलब फिर कमी कहीं हम में है असलम भाई, सारी कंट्री गलत तो नहीं ना, चलो इंडिया मान लिया, बाकी तो मुस्लिम कंट्री है ना भाई। अफगानी क्यों कहते हैं कि आप गद्दार हैं, आप मुसलमान नहीं है, इस वजह से बोलते हैं कि आप पैसे डॉलर लेके मुसलमानों की कत्ल करवा देते हैं। कैमरा मैन फोकस करो, सो रहा जी? नहीं सो नहीं रहा। आप क्या इसकी सोच में, बातों पे मैं तो ये हूँ कि वाकई हम जो है ना हमारे किसी कंट्री के साथ जो है ना तल्लुकात नहीं है, और सबसे बड़ी हम कम्युनिटी में बुरे हैं। मेरे हमारे जो अफगानी मतलब के जो हमारे भाई हैं वो हमसे मतलब इसी वजह से नाराज है क्योंकि हमने अड्डे उनको दिए थे, उनके कत्लेआम करवाया था। लेकिन ये उसने जनरल मुशरफ ने ना उसके बाद अपनी बुक लिखी थी, उसमें उसने उन्होंने माफ़ मांगी थी कि मुझे मैंने गलती की है, लेकिन इस तरह क्या होना था, जो होना था वो तो हो गया था। अफसोस है, इस माफी पर मैं कहता हूँ बस वो अब जा चुके हैं, बस ये तो भाई हुआ ना आपको इश्ताह हो जब चिड़ियां चुके खेत, बिल्कुल हम बेगैरत हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोग सोच की बात ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं आया, अगर हम गैरत दिखाएं तो हम उनकी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दें। खैर मज़ेदार थी वीडियो, मिलते हैं वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।